श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेता हूँ पर उनका साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ पर साथ नहीं देता। आप अकेले हो तो अपने विचार के ऊपर काबू रखो, और आप बहुत से लोगों के साथ रहते हो, अपने परिवार के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ हमेशा, तो अपने ज़ुबान के ऊपर काबू रखो। और कभी भी ऐसा प्रार्थना करो कि सब कुछ भगवान के ऊपर है। इतनी ईमानदारी, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई से प्रार्थना करो कि सब कुछ भगवान के ऊपर है, और मेहनत इतनी करो कि सब कुछ आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना मेहनत करोगे या कोशिश करोगे आपके ऊपर सब कुछ होगा, और आपके ऊपर सब कुछ है तो आप उस काम को जल्दी करोगे। और कभी भी आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि जो भी बुरे लोग होते हैं उनका अच्छा होता है, और आप अच्छे हो, उनकी मदद करते हो, सबका अच्छा सोचते हो, फिर भी आपका अच्छा नहीं बुरा होता है, आपको कुछ आपके साथ अच्छा नहीं होता, और आप उनकी नज़र में बुरे होते हो, ऐसे आपको लगता है। पर अपने विचारों को बदलो, ऐसा हो भी सकता है कि उनकी नज़रों में आप बुरे हो या असल में हो या फिर नहीं हो, पर अपने विचारों को बदलो। आपके ऊपर जितना भी दुख आता है उसको एक परीक्षा की तरह देखो, और उस परीक्षा को पूर्ण करो, ख़त्म करने की कोशिश करो और जीतो। और कभी भी आपने ये तो कहा ना कहा देखा ही होगा कि दो बच्चों में कभी भी कौन से भी चीज़ में लड़ाई या कुछ मुकाबला होता है तो जिसको आता नहीं ज़्यादा वो पहले से ज़्यादा अच्छा करता है, या ज़्यादा करता है और ज़्यादा करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे जीतना होता है और सबके सामने नाम कमाना होता है, इसीलिए वो पूरी कोशिश करके अपने काम को, या जिसके अंदर भी उसकी उन दोनों में लगी होती है उसमें वो जीतता है या फिर पहले से बेहतर करता है। इसलिए कभी भी ऐसा सोचो मत कि इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर नहीं बनना, ऐसे कभी भी मत सोचना कि ये लोग हैं या ये इंसान है इससे मुझे बेहतर बनना है या इसको मुझे नीचे गिराना है, ऐसा कभी मत सोचो, बल्कि ऐसा सोचो कि आप जहाँ पे हो उससे बेहतर बनना है। और लोग आपको ऐसे सोचते हैं कि लोग आपको कहते भी होंगे कि बेहतर बनो, पर उनके मन में ही ऐसा होता है कि बेहतर बनो पर हमसे बेहतर नहीं। और कभी भी आपको बेहतर बनना ही है तो आप जहाँ पे हो, अब आप जो भी काम करते हो, उसको आप 20 मिनट में करते हो, तो अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, और उसी काम को 20 मिनट में करते हो तो उसको 10 मिनट में, 5 मिनट में करने की कोशिश करो, इसी तरह आप आगे बढ़ोगे, खुद के अंदर बदलाव आएगा। और आपको सफलता हासिल करनी है तो खुद में बदलाव लाना ही पड़ेगा, खुद में बदलाव लाओगे तभी आप आगे बढ़ सकोगे, क्योंकि जब आपके अंदर बुरी आदतें, बुरी चीज़ें आपके अंदर सिर्फ नाकाम और आलस ही भरा होगा तो आप कैसे सफलता को हासिल करोगे, कैसे काम कर पाओगे, काम के ऊपर ध्यान कर दे पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले
आपके अंदर जो भी चीज़ें नहीं हैं उसको बढ़ाओ, उसको अच्छी कीजिए। जितनी आप चीज़ें कर सकते हो उससे बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। खुद के अंदर बदलाव लाइए। दिन ब दिन आपके अंदर जो भी बुरी चीज़ें हैं उसको निकालना, उससे दूर ही रहना सीखो। और कभी भी कोई भी इंसान आपके साथ काम करता है और वो गलतियाँ करते रहता है और आपसे क्षमा भी मांगता है, वो गलतियाँ करता भी है और क्षमा भी मांगता है, तो आप उसको क्षमा कर भी देते होंगे। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कोई भी इंसान एक दो तीन बार से ज़्यादा उस कौन से भी इंसान को माफ़ करे। जो इंसान तीन बार ही कौन से भी इंसान को माफ़ करता है तो वो समझदार है, पर जो इंसान जो बार बार ये गलतियाँ करते रहता है और माफ़ी मांगता रहता है, जो आगे बढ़ेगा भी नहीं और पढ़ने देगा भी नहीं, और उसको आप माफ़ करते रहोगे कितनी बारी, चार बारी, पांच बारी, दस बारी, कितनी बार। और जो बार जो इंसान तीन से ज़्यादा बार कौन से इंसान को माफ़ करता है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो अपना खुद का समय व्यर्थ तो गवाता ही है और उसके साथ ही में वो अपना समय गवाता है और अपना ज़िंदगी बर्बाद करता है, और बाद में उसको पछताता पड़ता है, तब वो कहता है कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, भगवान को ज़िंदगी को दोष देता है। और कभी भी इंसान को खुद ने कुछ गलती की है तो उसे मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए गलती को कि हाँ मैंने ही ये गलती की है, फिर से मैं गलती ये नहीं करूँगा, या जो भी है कह देना चाहिए। जो इंसान साफ साफ कह देता है वो आपकी ज़िंदगी में सही और अच्छा इंसान है, क्योंकि जो लोग साफ साफ नहीं कहते अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ या अपनी जो भी चीज़ें साफ साफ नहीं कहते, वो इंसान ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि साफ साफ जो इंसान कहता है वो सही है। कभी भी दूसरे के ऊपर विश्वास रखना नहीं चाहिए। विश्वास रखो अपनों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर विश्वास रखो, पर विश्वास ऐसे लोगों पर जो सही में सच में अच्छे सच्चे ईमानदार इंसान हो उनके ऊपर ही विश्वास रखें, और एरे गेरे के ऊपर विश्वास ना रखें, क्योंकि विश्वास ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तोड़ने के बाद फिर जोड़ती नहीं। अपने सबसे पहली अपने आपके मुंह से बोले गए शब्द, जो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो अपने परिवार को तोड़ देते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं, उनको आप फिर से वापस नहीं ले सकते शब्दों को, और फिर से परिवार जोड़ नहीं सकते, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है विश्वास। विश्वास किसी ने आपका तोड़ा तो वो बाद में जोड़ता नहीं, उसके ऊपर विश्वास रखना भी मुश्किल होता है, और ये दूसरी बात। और तीसरी बात, और ये सारी चीज़ें कभी कभार टूट जाती है, फिर इसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और कभी भी आपको सफलता हासिल करनी है तो बनाए हुए रास्ते पे ना चले, क्योंकि कभी भी बना बनाए हुए रास्ते पे चलोगे तो ज़रूर गिरोगे, वो दूसरे ने बनाया होगा रास्ता। और कुछ कुछ कड़वे शब्द कड़वी चीज़ें भी है, पर वही सच होती है। और कभी भी आपको इन दो चीज़ों पे अपना नियंत्रण बना लेते हो, उसके ऊपर अपना काबू बना लेते हो, काबू कर लेते हो वो दो चीज़ों को, तो आप कौन सी भी चीज़ जल्द ही हासिल कर लेते हो।
वो कौन सी चीज़ हो वो दुनिया में, या कौन सी सफलता या कुछ भी। ये दो चीज़ें, सबसे पहली क्रोध। क्रोध के ऊपर काबू करना बहुत से लोग भूल जाते हैं या काबू कर नहीं पाते। जो लोग क्रोध के ऊपर काबू कर लेते हैं वही बहुत बड़े लोग, बड़े इंसान बनते हैं। कौन से भी समय या कौन सा भी वक्त आए उसके ऊपर, उस समय आपको कोई इंसान कुछ बोल दे या कुछ कर दे या कुछ कह दे तो आपको बहुत क्रोध आता है, पर उस क्रोध के ऊपर नियंत्रण, उसके ऊपर आपका जब आपका नियंत्रण रहता है, आपके काबू में रहता है क्रोध की, अब क्रोध नहीं करना। वो इंसान कुछ भी करे या कुछ भी कहे या कुछ भी करे, आपका जब ज़ुबान के ऊपर और क्रोध के ऊपर काबू हो जाएगा तब आप बहुत कुछ हासिल कर जाओगे, कर लोगे। और कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं अब इस ज़ुबान के ऊपर फिर क्रोध के ऊपर काबू करूंगा, फिर मैं खुद के अंदर बदलाव लाऊंगा, फिर मुझे सफलता हासिल होगी या सफलता हासिल करने के लिए जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तभी आपकी आधी सफलता तो आप हासिल कर ही लोगे, और आधी सफलता तो आपको मेहनत, ईमानदारी और ये सारी चीज़ें सीखे होंगे उसको इस्तेमाल करके आपको आधी सफलता हासिल करनी है। कभी भी इंसान को बने बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, और क्रोध के ऊपर और ज़ुबान के ऊपर काबू कर लो। क्रोध कोई इंसान कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे तो उसको ना कुछ कहे अपने क्रोध के ऊपर, ना क्रोध लाए ना क्रोध दिखाए। और दूसरी चीज़ ज़ुबान, ज़ुबान के ऊपर काबू कर ले ना सीखो। और ज़ुबान बहुत ज़्यादा हल्की होती है, पर इससे ज़ुबान ने कुछ कहे गए शब्द बहुत भारी होते हैं, जो कि कुछ लोग उसका वजन उठा नहीं पाते हैं और उसके नीचे दब जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते यही ज़ुबान तोड़ती है, कोई ऐसे ही मजाक में कुछ एक दूसरे को कह दिया तो वो इंसान बुरा मान जाता है, रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो इसलिए अपने ज़ुबान के ऊपर काबू रखना सीखो और काबू कर ही लो। खुद पर विश्वास रखोगे तो अच्छा होगा, और दूसरों पर रखोगे तो भी अच्छा होगा, पर कभी कभार बुरा भी होता है क्योंकि सारे ही लोग अच्छे नहीं होते। मैं श्रेष्ठ हूँ, ठीक है, पर सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है, क्योंकि ऐसे कभी भी मत कहो कि इससे आपको बचना चाहिए अहंकार से। कभी भी इंसान को कुछ बड़ा करता है तो उसको अहंकार आ जाता है कि मैंने कोई नहीं कर पाया जो मैंने कर दिया, या मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, या मैं ही बहुत बलवान हूँ, मैं ही बहुत बुद्धिमान हूँ। ऐसे इंसान को अहंकार आता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ ये शब्द, सिर्फ मैं ही बुद्धिमान हूँ, या सिर्फ मैं ही बलवान हूँ, या सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, या सिर्फ मैं ही अमीर हूँ, ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपको ऐसे कहना चाहिए, हाँ मैं धनवान हूँ, या मैं बुद्धिमान हूँ, या मैं बलवान हूँ, ऐसे कहो। पर सिर्फ मतलब पूरी दुनिया में आप ही नहीं, आप से भी बेहतर लोग हो सकते हैं, इसलिए कभी भी अहंकार आपके ऊपर आने देना नहीं चाहिए। आप इंसान कितना भी गोरा हो, इंसान कितना भी गोरा हो उसकी परछाई धूप में काली ही दिखती है, काली ही होती है। लोग आप कब अच्छे थे ये याद नहीं रखते, आप अब बुरे हो या कब बुरे थे ये याद रखते हैं लोग। कभी भी आपको
कौन से भी समय में आपको एक दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाद में वो लोग ही कहेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा किया, आपने अच्छा नहीं किया, बुरा किया, या बहुत सारी चीज़ें। कभी भी एक दूसरे का अच्छा ही सोचो, बुरा नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने जो भी मोटिवेशन जाना, अपने ज़िंदगी में ज़रूर याद रखना और ज़िंदगी में ज़रूर उतारना। और जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।